बड़ी बात है। आई एम ब्लेस्ड, इस एज में इतने लोगों को नहीं मिलता है, वो बैक स्टेज की जो एक्साइटमेंट होती है, इट्स ग्रेट फीलिंग। तो आपको अपना बेस्ट देना होता है, हर चीज़ में सबसे अच्छा परफॉर्म करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो आदाब। दुबई आरिजित राइट नाउ विद यू फ्रॉम दुबई। मैं हूँ इस वक्त मौजूद दुबई के उस टैलेंट के साथ और दुबई की उस आवाज़ के साथ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत नाम कमाया। मसाला अवार्ड की तकरीब हो, पाकिस्तान इंडिया कम्युनिटी का बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हों, चाहे वो मदीना जमेरा में हों, चाहे वो बॉलीवुड पार्क्स में हों, इस बच्चे ने वहाँ पर परफॉर्म किया और अपना नाम कमाया। आई एम राइट नाउ विद एम के। हाय एम के, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, फाइन। एम के, इतनी छोटी उम्र में इतने फ़ैन, इतने फॉलोअर्स, और कैसा लगता है जब स्टेज तैयार होता है और लोग वेट कर रहे होते हैं एम के साउंड के साथ? क्योंकि जो फैम या जो फ़ैन फॉलोइंग आपने आज ले ली है, बहुत से लोग बहुत देर के बाद लेते हैं, तो हाउ यू फील इट? आई फील रियली गुड, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। आई एम ब्लेस्ड, इस एज में इतने लोगों को नहीं मिलता, लेकिन और बहुत मज़ा आता है जब आप कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं और सब वेट कर रहे होते हैं, वो बैक स्टेज की जो एक्साइटमेंट होती है, इट्स ग्रेट फीलिंग। मोटिवेशन और इंस्पायरेशन तो मुझे अरिजीत सिंह से बहुत मिलती है। आई रियली लव हिम। और इंस्पायर बंदा ऐसे होता है जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं, आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आप कहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं उस परफॉर्मर को बहुत अच्छा परफॉर्म करें ताकि आप एंजॉय करते हैं। तो जब आप खुद भी परफॉर्म करते हैं, आप ऐसे ही सोचना चाहिए कि जो आगे बंदा देख रहा है वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको अपना बेस्ट देना होता है, हर चीज़ पर सबसे अच्छा परफॉर्म करना होता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी एक नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है मेरा नेक्स्ट मंथ में, वो हमने किया है कोवर विक के साथ। वो एक रैप सॉन्ग है, मैंने पहली दफ़ा रैप कर रहा हूँ, और वो लाइक बिल्कुल टीनेजर जैसा सॉन्ग है। पावरपफ गर्ल्स का नाम है, और अभी उसका रिकॉर्डिंग होगी, बस वीडियो शूट करनी है। मैं अपने जो सुनता रहता हूँ, लेकिन मुझे अब अपने जो पुराने हो गए हैं, अब तो जो आगे नए आ रहे हैं मैं उनको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अपना मेरा फेवरेट जो है मेरा मैशअप है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मैं अगर टायर्ड होता भी हूँ तो, लेकिन सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, तो उनसे मिलना भी है तो सब कुछ करना होता है। लेकिन मैं परफॉर्म कर रहा था मेर जसवाल के साथ यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा, और उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया था, मुझे एक बंदा आके मिला था। मैं बहुत टायर्ड था, लेकिन वी वॉज लाइक अ बिग फैन, ही वॉज टेकिंग लाइक प्लीज़, और वो ऐसे करके। तो उसके साथ ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं कर सकता था, मैं थका हुआ हूँ, नहीं मिलना ही था, पिक्चर भी लेनी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनेंगे आज दिल की सदा, इस पल को आओ जी ले ज़रा।